नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है GAD, जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आज का जो युग है वो तनाव का, बेचैनी का युग है। आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन था। मैं हूं प्रदीप, नेचुरोमेटिक हीलिंग रिसर्च सेंटर से। मैं हूं फाउंडर इन्वेंटर नेचुरोमेटिक वेलनेस मैनेजमेंट मेथड्स का, इसको हम NWM कहते हैं। NWM एक नई ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री साइकोयोगिक नॉन इन्वेसिव ड्रगलेस थेरेपी है। भारत सरकार इसको नई ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज में, नॉन इन्वेसिव ड्रगलेस थेरेपीज में रखती है। कुछ यूनिवर्सिटीज हमें साइकोयोगिक थेरेपी की तरह से पढ़ा रही है या हमें उसमें जोड़ती है, क्योंकि हम आठों तरह की वेलनेस दिलाने का प्रयास करते हैं और सालों से ये प्रयास फलीभूत हो रहा है। बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं, बड़े अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास। तो आज का टॉपिक एंग्जाइटी स्ट्रेस, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसको जितना आप शेयर करेंगे उतना लोगों के काम आएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता ही क्यों है? होता क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को उस समय पे उतना नहीं कह पाते जितना हम कहना चाहते हैं। हम वैसे नहीं कह पाते जैसे हम कहना चाहते हैं। हम वैसे नहीं जी पा रहे जैसे हम जीना चाहते हैं। हमें एक बड़ा मकान चाहिए, हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए, हमें एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, और उस सब के ना पाने पे हमें या तो बेचैनी हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, या स्ट्रेस हो जाता है। और दिक्कत इससे क्या होती है, ये कहने में बड़े छोटे से वर्ड्स हैं। ये बेचैनी होने पे, तनाव होने पे आप गलत आदतों की तरफ जाने लगते हैं, जिनको हम डिपेंडेंसीज कहते हैं। नशे की आदतें हो जाना, बुरी जो आदतें हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहलिज्म हो, चाहे ड्रग्स हो, तो ये जो चीजें हैं ये अच्छी चीज नहीं है। इससे और ज्यादा परेशानियां ही बढ़ती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस का ही कोई इलाज है। स्ट्रेस का इलाज क्या है? इलाज है पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा एक टूल है BNEA, ब्रीदिंग एंड एलिमेंट एक्टिवेशन, उसका बड़ा अच्छा रोल है। उसको भी आप हमारे किसी मास्टर से सीख सकते हैं। आप कोई अगर प्राणायाम श्वसन से रिलेटेड आप करते हैं तो भी वो काम में आता है, उसका बड़ा अच्छा लाभ है। ग्रीन टी वगैरह को आप उसमें शामिल करें अपनी डाइट में। आपने देखा होगा जिन लोगों को तनाव होता है वो ज्यादा खा जाते हैं, ज्यादा खाते हैं जिस टाइम उन्हें तनाव होता है। और जब वो ज्यादा खा जाते हैं तो उनको फिर एक परेशानी होगी, मोटापा हो जाता है, कार्डियक एलिमेंट्स हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है। ये सब एक्चुअली आपकी लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको ऐसी परेशानी है जिसमें आप ओवर ईटिंग करते हैं तो उससे बचने का क्या तरीका है? आप फ्रूट्स को खाइए, ज्यादा सैलेड को ज्यादा खाइए। आप खूब खा लीजिए, कितना भी खा लीजिए, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपको फायदा ही होगा। तो ये हम इसको कहते हैं, हमारी किताब है मैनिफेस्ट वेलनेस बाई नेचुरोमेटिक वेलनेस मैनेजमेंट मेथड, Amazon पे उपलब्ध है। उसको उसमें हमने ये सब दिया हुआ है, इसको साइकोयोगिक थेरेपी की तरह से कैसे यूज किया जा सकता है वो भी एक पार्ट है इस किताब में। डिटेल्स के लिए आप वो किताब को देख सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं NWM वेलनेस प्रोमोटिंग बिहेवियर्स। उन वेलनेस प्रोमोटिंग बिहेवियर्स में BNEA भी है, आपकी डाइट भी है। डाइट जैसे मैंने बताया, आप इसको अगर वेजिटेरियन रखते हैं डाइट को तो बड़ा अच्छा है। देखिए, नॉन वेजिटेरियन डाइट कहने में फिर एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन बहुत नुकसान करती है ये नॉन वेजिटेरियन डाइट। थोड़ा बहुत कभी खाना है खा लीजिए, कुछ विशेष पदार्थ प्राप्त करने के लिए अगर थोड़ी बहुत फिश खा ली ठीक है। तो आपको जरूरत किस बात की है? अपने आप की एक तो पॉजिटिव थिंकिंग को रखें, दूसरी बात यह है अपनी डाइट को, अगर आप ज्यादा खाने की आपको आदत हो गई है तनाव में तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखें। इसके अलावा आप अपने आप को कहना सीखें, जो आपके मन में बात आती है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं उसको कहिए। जब आप उसको बाहर निकाल देंगे तो वो आपको फिर तनाव नहीं होगा। होता क्या है,
एक बात आपने सुनी होगी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों को तो कहना ही है, और एक बड़ा मशहूर गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो तो उनको तो कहना ही है। आप एक स्टोरी है ना ऐसी एक, कि एक धोबी और उसका बेटा एक गधे पे अपनी गठड़ी लेके जा रहे थे, तो लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कितने बेवकूफ लोग हैं, जब इन पे गधा है तो खुद भी तो बैठ के चल सकते हैं। अब वो उस पे दोनों बैठ गए, गठड़ी भी रखी हुई है, तो लोग क्या कहते हैं उन्हें देख के, यार कितने निर्दयी लोग हैं, इन्होंने एक बेचारे गधे को बिल्कुल मार रखा है, इसके ऊपर वजन डाल रखा है, चलो ये बूढ़े बाप की तो कोई बात नहीं है, बेटे को तो उतर जाना चाहिए। अब बेटा उतर के पैदल चलने लगा, अब बेटा पैदल चल रहा है तो दूसरे फिर लोग क्या कहते हैं कि देखो लड़का कितना बेवकूफ है, अपने पिता को अपना वहां पे बैठा हुआ है और अपने आप नीचे रखा हुआ है। तो अब वो बेटे को ऊपर बिठा दिया, बाप नीचे उतर गया, तो भी लोगों ने कहा कि बेटा कैसा है, बाप को चला रहा है, अपने आप ऊपर बैठा हुआ है। अल्टीमेटली उन्होंने इतने जब लोगों की बात मानी तो उन्होंने एक ने गठड़ी उठा ली, एक ने कंधे पे अपने गधा रख लिया, तब भी लोग कह रहे हैं कि कितने बेवकूफ लोग हैं। तो भैया लोगों को तो कहना ही है, किसी भी हालत में कहना है। तो आप इन सब की परवाह ना करें, जो वेलनेस प्रोमोटिंग बिहेवियर है उनको यूज करिए, उनको यूज करने से ये जितना जनरल, इसका नाम है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उतना ही जनरल इसका ट्रीटमेंट है, आप आराम से कर सकते हैं। खूब खुल के हंसिए, लोगों से अच्छे से मिलिए, बिना डरे मिलिए, आप यूनिक हैं, आपके अंदर पावर है, आप जैसे हैं वैसा ही भगवान ने आपको बनाया था, आप उसमें जितने चाहे बढ़ावा कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की नकल करने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने आप में सक्षम हैं, आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल चिंता ना करें अपने बारे में, हर एक ट्रेड में लोगों की जरूरत है, अच्छे मैथमेटिशियंस की जरूरत है, अच्छे साइंटिस्ट की जरूरत है, तो अच्छे पेंटर्स की भी जरूरत है, अच्छे म्यूजिशियंस की भी जरूरत है, अच्छे गायक की भी जरूरत है, तो आप चिंता ना करें, अच्छे पोटर्स की भी जरूरत है, आप जो कुछ भी हैं उसको अच्छा करिए, बस उतना ही काफी है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप जैसे जाने कितने लोग होंगे जो इससे फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।